और आज के श्रम एवं समाज कल्याण के श्रम समाचार में बिहार विधानसभा में ग्रामीण मंत्री ने विधानसभा में एक योजना पेश किया बिहार के लिए। उसका उन्होंने नाम रखा है विद्या दीदी। ये विद्या दीदी ग्रामीण विकास के लिए योजना है। अब इनका काम क्या होगा, विद्या दीदी का काम क्या होगा? दरअसल ये विद्या दीदी पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ग्रामीण युवाओं को मार्गदर्शन करेंगी। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ग्रामीण युवा आते हैं उनका मार्गदर्शन करना इनका काम होगा। और साथ ही सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र का संचालन करेंगी। यानी ये हो सकता है कि गांव में या ग्राम पंचायत में ये योजना के लिए केंद्र बने और वहां पर उसका संचालन विद्या दीदी करेंगी। अब इसके पहले विद्या दीदी के पहले बता दें, इसके पहले ठीक इसी तरह से बाल बारी दीदी, साक्षर भारत ये योजना आ चुका था और ये योजना को बिहार सरकार ने के पदाधिकारियों ने बंद कर दिया। दरअसल ये विद्या दीदी एक स्कीम वर्क है। पहले ये दिमाग में ये कोई नौकरी नहीं होने जा रही है, ये एक स्कीम होगा। सरकार की ये योजना है, इस योजना में ये रहेंगे और उनको ये एक निश्चित मान धन मिलेगा। वेतन नहीं, पहले दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए, वेतन नहीं मान धन मिलेगा। अब देखिए, यानी विद्या दीदी का पढ़ाई प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ग्रामीण युवाओं को तैयार करना और गांव का पुस्तकालय सामुदायिक पुस्तकालय या कैरियर विकास केंद्र का संचालन करना, यानी वहां पर जानकारी मुहैया कराना। अब देखिए इनका चयन पात्रता क्या होगी, चयन कैसे होगी, पात्रता क्या होगी। ये 12वीं पास होंगे, विद्या दीदी 12वीं पास होंगे। हाँ, ऊपर हो सकते हैं, नीचे नहीं। इनकी आयु 18 से 40 वर्ष की होगी, इनकी आयु 18 से 40 वर्ष की होगी। उसके बाद तीसरा पात्रता इनका क्या होगा, ये जीविका समूह के सदस्य हों, जीविका समूह के सदस्य हों या उसके परिवार में हों। जीविका समूह से अगर वो बाहर हैं तो इनकी नियुक्ति नहीं होगी। ये तीन पात्रता हो गया चयन का, 12वीं पास हो कम से कम, 18 से 40 आयु वर्ग हो और जीविका समूह के सदस्य हो या उनके परिवार में हो। यानी जो जीविका की अवहेलना करते हैं या नहीं जा रहे हैं तो, और विद्या दीदी में आना है तो स्वाभाविक है कि अब आपको जीविका समूह का सदस्य बनना होगा। इनको मान देह कितना होगा, इनको मान देह 6000 रुपया मिलेगा, कुल 6000 रुपया इनको मिलेगा मान। कार्य क्या होगा, इनके पास कार्य क्या होगा, ऊपर तो बताया ही गया। यानी जिस बच्चे का गांव में पढ़ाई बंद हो गया है उसको स्कूल लाना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, छात्रवृत्ति, क्रेडिट कार्ड, सहायता समूह से मिलने वाला कर्जा, प्रशिक्षण, व्यवसायिक परीक्षाओं में बच्चों को तैयार करना, यानी कुल मिला के इस तरह का एक काम टोला सेवक के पास भी था। उसी से ये मिलता जुलता है, टोला सेवक में पुरुष भी आ जाते हैं, महिला भी हैं, लेकिन इसमें ये शुद्ध रूप से महिला होंगी, विद्या दीदी हैं।
इसलिए पुरुष का यहां कोई संपर्क नहीं है और जीविका से ही ये आएंगे। अब देखिए बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में ये 32 जिले में लागू होगा और अभी बिहार सरकार ने के ग्रामीण विकास मंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा किया है कि ये 100 प्रखंड का चयन करेंगे। मात्र अभी 100 प्रखंड में विद्या दीदी का चयन होगा, ये योजना शुरू होगी। यानी अब विद्या दीदी भारत सरकार का जो योजना है कौशल विकास, उसी का एक ये स्वरूप है। बिहार सरकार ने अपने यहां पूरे बिहार में ये लागू करने जा रहे हैं, तो 32 जिले के 100 प्रखंड में ये लागू होगा। इसके पहले साक्षर भारत बाल बारी दीदी का भी काम इनसे मिलता जुलता रहा है, उसको बिहार सरकार ने बंद कर दिया। यानी ये भी एक स्कीम, आज के समय में दो प्रकार की नौकरियां हैं, एक अस्थाई यानी जिसको संगठित क्षेत्र कहते हैं ट्रेड यूनियन की भाषा में, और एक असंगठित। तो असंगठित में ये आएंगे और उसमें भी इनका एक निश्चित मानदेय होगा, 6,000 रुपया। मित्रों ये बिहार सरकार ने की योजना विधानसभा में उनके ग्रामीण मंत्री ने घोषित किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।